पैसे बचे हैं कुछ के नहीं बहुत महंगे गेम है भाई चलो स्टार्ट रेडी रोलिंग 1 2 3 एक्शन हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आपके सामने आज दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मानता हूँ कि 90% जनता की यही बीमारी है इसको ना करने की। तो आज मैं बात करूँगा आपके लिए एक्सपेंस के बारे में भी, खर्चा कितना होता है इस गेम को लेके। अगर आप फिटनेस को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो उस पर खर्चा कितना है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि खाना पीना बहुत अच्छा खाएंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में उन्होंने खाना खाना है, वीकेंड पे पार्टी उन्होंने अच्छी जगह करनी है, घूमने जाना है तो बढ़िया जगह जाना है, गाड़ियाँ रखनी है, लैविश लाइफ चाहिए उन्हें बिल्कुल, एंड बिल्कुल टॉप ऑफ टॉप काम हो। पर जब कभी हेल्थ की बारी आ जाए, फिटनेस की बारी है, तो जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। उन्हें पता ही नहीं भी करना क्या है, इतने अनहेल्दी हैं वो, इतने ज़्यादा अनहेल्दी हैं आप सोच ही नहीं सकते। लाइफस्टाइल बिल्कुल ज़ीरो है उनका। मतलब कि अगर मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, अभी बहुत पैसा उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा है मेरे पास भी है, लोगों के पास भी है, बहुत सबके पास है, पर जब वो कपड़े लेने जाते हैं ना, वहाँ उन्हें बड़ी शर्म आती है ट्राई करते हुए, खुश आ ही नहीं रहा उनको कपड़ा। अब मेरे साथ वो चलना भी पसंद नहीं करते, खुद मेरे साथ चलते तो उन्हें लोग नहीं देखते तो बड़ा इफेक्ट है इस चीज़ों का। पर यह कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग आज के टाइम में सब एप्पल के फ़ोन चल रहे हैं, आपको पता एक्स आ गया है, ये आ गया, लोग नए नए फ़ोन रखना बड़ा पसंद करते हैं। आज नया फ़ोन आया यार, मैं आज मैंने ये ले लिया 70,000 रुपये का फ़ोन ले लिया। चलो जी जूते लेने हैं, अभी मैं तो 10,000 रुपये का जूता पाऊँगा, मैं उससे कम जूता ही नहीं पाऊँगा, ठीक है जी। और कपड़े पाने मैं ब्रांडेड पाऊँगा, मैं 20-30-200 रुपये की शर्ट क्यों पाऊँगा। तो लोगों के अंदर ये बड़ी चीज़ें हैं। पर जब कोई फिटनेस की बारी आ जाए और सप्लीमेंट लेने की बारी आ जाए तो भाई साहब उनको सांप सूंघ जाता है, सांप देख लिया उन्होंने सामने, भैया डांग ना ले मेरे को भी। अपनी हेल्थ के लिए तो मतलब बिल्कुल भी लोग पैसा नहीं खर्चना चाहते, और बिना पैसे खर्चे कुछ नहीं आ सकता। अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है, वो बिना पैसे के आ जाएगी क्या? वो बम्पर लॉटरी थोड़ा निकल रही है भाई, भी तेरे को गाड़ी मिल जाएगी। तो ऐसी फिटनेस है, उसमें पैसा खर्चोगे तभी आपको वो चीज़ मिल पाएगी। अच्छा शरीर आपको तब मिलेगा जब उसके अंदर कुछ एक्सपेंस करोगे, कुछ खर्चोगे उसके लिए। अगर आपको ऑडी गाड़ी चाहिए तो आपको पैसे तो उसके लिए खर्चने पड़ेंगे ना, तभी आपके पास आएगी वो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई आपको गिफ्ट तो नहीं करने वाला, या कोई ऐसे कोई चीज़ बनी आ सके जहाँ आपको अपना शरीर गिफ्ट कर दियो, निकाल के ले भाई तू मेरी बाजुएं ले ले, तू मेरे पटर ले, तो अपने लगा ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, लोगों को लगता है भी हाँ एक्सपेंसिव भी है यार। देखो ऑब्वियस है, खर्चा होता है, क्लीन डाइट आपको खानी पड़ती है, तो मैं ये मानता हूँ भी हाँ खर्चा है इसका, सप्लीमेंट्स का भी खर्चा होता है। आपको अपना प्रोटीन पूरा करना है, आपको अपने सप्लीमेंट्स पूरे करने हैं, आपको अपने मल्टीविटामिंस लेने हैं, तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर भी। बट ये कि वो चीज़ें आपके एसेंशियल आपकी बॉडी के लिए हैं, भी कल को आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल आप लेके चले कार्स का ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल, एक आदमी के पास ऑल्टो कार है और एक के पास ऑडी है, तो दोनों के ऊपर बड़ा बैलेंस है, उसको चलना पड़ता है। बिकॉज एक ऑल्टो की सर्विस है यार वो 1,000-1,500 रुपये में हो जाएगी, और एक गाड़ी है ऑडी, उसकी 25,000 रुपये में सर्विस होनी है। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपकी इनकम कितनी है और उस इनकम के हिसाब से आप अपने शरीर को डेवलप कैसे कर सकते हैं। आप किसी की 30,000 रुपये तनख्वाह है यार, तो वो 30,000 रुपये तो अपने शरीर पर नहीं लगा सकता ना, तो वो उसके हिसाब से ही चलेगा वो कि नहीं यार मेरे को, मैं 5,000-6,000 रुपये अपने बॉडी के ऊपर खर्च सकता हूँ और मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ। ऑब्वियस है, जब बंदा बॉडी बनाता है या कोई भी जो उसका गोल होता है, उसको पता होता है कि मैं किस हिसाब से उसको कैसे कर सकता हूँ मेंटेन। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी इनकम कितनी है कि, और आप उसके इनकम के हिसाब से उसको कैसे सेट कर सकते हैं। एक बॉडी बिल्डर है, अगर वो किसी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा है तो उसको प्रेप के अंदर उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज उसके सप्लीमेंट्स चलते हैं, उसकी डाइट है, काफ़ी कुछ है उसके अंदर जो उसको करना पड़ता है। तो वो अपना गोल सेट करके चलता है, उसको पता है यार मेरा इतना खर्चा होना है तो होना है, वो तो उसको करके चलता। अब एक नॉर्मल बंदा है जो एक जॉब गोइंग है, उसकी तनख्वाह 30-40,000 रुपये है, तो उसने अपना घर भी देखना है, उसने अपनी फैमिली देखनी है, उसने अपना बाकी बजट देखने हैं, शॉपिंग देखनी है, कोई शादी आगे करते वो भी देखनी है। तो वो आदमी वही 4-5,000 मिनिमम अपना लेके चले महीने का भी, हाँ मैं सप्लीमेंट्स के थ्रू या अपनी डाइट के थ्रू मैं इसको मेंटेन कर पाऊँ कि मैं ज़्यादा मोटा ना हो पाऊँ, कि मैं जितना हो सके क्लीन खाऊँ। तो बेसिकली एग्जाम्पल मेरा देने का मतलब यही था आपको कि इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से आप उसका खर्चा करें। ये नहीं है कि आपके 30,000 रुपये तक, अगर आप इसके 30,000 ही अपने डाइट के ऊपर लगा देंगे फिर आप घर कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल था
कि आपके लिए भी जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसके हिसाब से चलें और उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन करें। अब लोग आप देख लीजिए, अभी आज के टाइम में 30s की एज के अंदर ही लोगों को बीमारियाँ होनी शुरू हो गई हैं। वो क्यों होनी शुरू हो गई हैं? बिकॉज लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पा रहे, वो इसी करके नहीं दे पा रहे बिकॉज वो अपने शरीर के ऊपर पैसे ही नहीं खर्चते बिल्कुल भी। उन्हें बाकी खर्चे सब करने हैं पर अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं खर्चना। कोई उनके खाने की टाइमिंग्स नहीं है, कुछ उन्होंने जो आ गया खा लेना है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई न्यूट्रिशन का कुछ नहीं है, उनको फैक्ट्स पता ही नहीं है अभी होते क्या हैं, भी क्या अप एंड डाउन होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को अच्छे न्यूट्रेंट्स दें जिसके साथ वो अच्छी लाइफ जी सके। मेरा यही कहना है कि हाँ, बाकी ये गेम लोग कहते हैं भी ये स्पोर्ट्स महंगे हैं, गोल्फ महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है। भाई बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगी गेम है यार, करके तो देखो पता चलेगा आपको इसमें कितना खर्चा होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपना पैसा जो है आप अच्छी जगह अपने शरीर पर लगाएं जिससे कि आपको बेनिफिट्स हों, भी कल को आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप डॉक्टर के पास बाद में जाएं और आपको 5-6 लाख का थप्पड़ एक बारी में लगे। तो उससे अच्छा ये है कि किस्तों में आप पैसे दीजिए तो अपनी बॉडी को आप अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका, जो आप मेरी वीडियो को देखना जो आप पसंद करते हैं। तो नीचे सब्सक्राइब का चैनल है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ का मज़ा लीजिए।